तो बताइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए जरा। ग्राफ देखने वाले। ग्राफ, कौन से ग्राफ देखने वाले थे ना उन लोग आज? हाँ, कौन से ग्राफ? एक्स वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हमको पता है अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हमको सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ता है। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक्स भी मौजूद हो और टी भी प्रेजेंट हो। एक ऐसा इक्वेशन हमको ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर एक्स भी प्रेजेंट हो और टी भी प्रेजेंट, तभी हम एक्स और टी का ग्राफ बना सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई इक्वेशन है कि जिसके अंदर एक्स भी प्रेजेंट है और टी भी प्रेजेंट है? डू वी हैव दैट काइंड ऑफ इक्वेशन? बताइए जरा। एक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी सर, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए ये इक्वेशन जो है ना, इसके अंदर एक्स है और टी भी है, ठीक है, ये दोनों आगे, इसका मतलब इसका ग्राफ बना सकता हूँ, राइट। हमारे पास क्या ऐसा इक्वेशन है? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड टाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट? क्या हमारे पास ऐसा इक्वेशन है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, मैं ग्राफ बना सकता हूँ। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर वेलोसिटी भी हो, टाइम भी हो? बताइए जरा। इसके अंदर वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, मैं दोनों का ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ नॉर्मल ग्राफ नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ठीक है। टाइम सब खाली पीली बैठा नहीं है, टाइम किसके अंदर है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर है। ये कॉस के अंदर है, साइन के अंदर है, साइन के अंदर है। इसका मतलब जो मेरा ग्राफ बनने वाला है यहाँ पे बनेगा साइनोसॉइडल, यहाँ पे बनेगा साइनोसॉइडल, यहाँ पे बना कोसाइनोसॉइडल, ठीक है। मतलब साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ बनने वाला है। और ये साइनोग्राफ, साइन और कॉस ग्राफ के लिए हमको नॉलेज चाहिए था जो कि हमने कल देख लिया है ना। चलो बताओ जरा इसमें से ये कौन सा ग्राफ है, साइन का ग्राफ है या कॉस का ग्राफ है? ये कौन सा ग्राफ है, साइन वाला ग्राफ है या कॉस वाला ग्राफ है? साइन वाला, साइन वाला, साइन वाला, साइन ग्राफ। बताइए जरा ये कौन सा ग्राफ है? कॉस वाला, कॉस वाला। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है देखना और समझ लेना, ठीक है। ये साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ जो होते हैं, ये देखो ये पीरियोडिक होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट। देखो कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, ये ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। ऊपर समझो वन है तो माइनस वन नीचे रहा, समझो, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू देखो, इन वैल्यू के बीच एक रिपीट हो रहा है, वापस जा रहा है, फिर ये वैल्यू आ रही है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको रिपीटेड मतलब या फिर पीरियोडिक फंक्शन भी कहा जाता है। और ये पीरियोडिक फंक्शन साइन फंक्शन होने की वजह से तो हमारे ऑसिलेशन में आया, राइट। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन भी कहा जाता है। मैंने बताया आपको हार्मोनिक फंक्शन किसको कहते हैं, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। हार्मोनिक मतलब ऐसे फंक्शन जिसके अंदर रिदम हो, और देखिए इसके अंदर रिदम है ना, देखिए है कि नहीं, ये रिदम है, बार बार देखो रिदम बार बार मतलब रिपीट हो रहा है। कॉस भी बार बार रिपीट होता है, कौन से इसमें, वन से लेकर माइनस, ठीक है। इसलिए हमारे इक्वेशन में साइन और कॉस आते हैं, क्योंकि हमारा ऑसिलेशन मोशन भी एक तरह का रिदम है, हमारा ऑसिलेशन मोशन भी एक तरह का रिदम है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। उस वजह से हमारे इसमें आते हैं, राइट। ये बात हमारे लिए क्लियर हो चुकी है, मैं इसको मिटाता हूँ। अब हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि हम लोग इसके ग्राफ बनाए बारी बारी से। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को मेरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि पूरे ग्राफ इसमें फिट हो जाए, ठीक है। इसको ड्रॉप करूंगा अभी। अभी हम लोग ग्राफ बनाने वाले, देखिए किस तरह बनाएंगे। पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे इसके इक्वेशन लिखूंगा, ये मेरा ग्राफ। यहाँ पर हमारा ग्राफ बनने वाला है, यहाँ पर हैगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, कुछ समय बाद नीचे बनाएंगे हम लोग वेलोसिटी का ग्राफ, एंड यहाँ रहेगा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। और
आपको ग्राफ किस किस इसमें बनाना है, समझो अगर मुझको ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का, नहीं सॉरी, अगर मुझको ग्राफ बनाना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, तो मुझको बताओ ये एक्सिस पर क्या आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट आएगा या टाइम आएगा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, बताइए इस पर क्या आएगा? टाइम। ये एक्सिस पर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझे, यहाँ पर मैं ये एक्सिस पर मेरा आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सिस पे आएगा टाइम। सिमिलरली अगर मैं बनाना चाहता हूँ इस चीज पर, बताइए अगर मैं बनाना चाहता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो ये एक्सिस पर क्या आएगा? टाइम। टाइम एक्सिस पे क्या आएगा? वेलोसिटी। अगर मैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम बनाना चाहता हूँ, तो ये एक्सिस पर क्या आने वाला है? टाइम आएगा। एक्सीलरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखिए, गौर से देखिए, ठीक है? एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है? टाइम पीरियड, करेक्ट, टाइम पीरियड। अगर मैं ऑसिलेशन की स्टडी करता हूँ, यहाँ पे समझो मेरा मेन पोजीशन है, यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है? हाँ, तो चलो मेरा पोजीशन समझो, मेरा ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ मेन पोजीशन से, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर मेन पोजीशन पे वापस आ गया, ठीक है? एक ऑसिलेशन कम्प्लीट हुआ, इस ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है बताइए जरा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, ये एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, ये एक ऑसिलेशन होता है, और इसको कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? 2t बेटा, t ओनली, व्हाई 2t? dt, एक ऑसिलेशन को t टाइम लगता है, एक ऑसिलेशन को t टाइम लगता है, ये बात समझ में आया? और एक ऑसिलेशन में मोशन कितने, देखो एक, ठीक है, वापस आया दो, फिर यहाँ गया तीन, यहाँ गया चार, टोटल कितने मोशन है? जाना कितने, देखो एक बार गया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, चार हिस्सों में डिवाइड हुआ ना मोशन। फिर से देखो, मीन पोजीशन पर था, मीन पोजीशन पर था, मीन से एक्सट्रीम गया एक, फिर एक्सट्रीम से मीन आया दो, फिर मीन से एक्सट्रीम गया तीन, फिर एक्सट्रीम से मीन गया चार। ये जब चार कंप्लीट होगा तो मैं उसको बोलूंगा वन ऑसिलेशन हुआ, राइट और रॉन्ग? Yes or no? इस चीज को पूरा कंप्लीट करने में, इस चीज को पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, मैं उसको कैपिटल टी बोलूंगा, यस और नो? हां सर। अब देखो मैं इसको डिवाइड करूं, अब अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं, सुनिए सुनिए जरा सुनिए, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस आ गया, बताइए कितना टाइम लगाऊंगा उसको? देखिए अभी फिर से, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, बताइए उसको कितना टाइम लगाऊंगा? T by 4। मतलब देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगाऊंगा? T by 4। यहाँ से वापस आने में और T by 4 लगा, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ जाने में T by 4 लगा, यहाँ से वापस आने में और T by 4 लगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया T by 4 प्लस यहाँ से यहाँ आ गया T by 4, टोटल यहाँ पे बीच में आने में कितना टाइम लगा उसको? फिर T by 2। अच्छा नहीं, पहले इसमें T by 4 प्लस दूसरे इसमें T by 4, टोटल कितना टाइम लगा? T by 2, करेक्ट? हाँ, देखो फिर से देखो, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पर आया, अब बताओ उसको कितना टाइम लगेगा? T by 3। T by 4 प्लस T by 4 प्लस T by 4, मतलब 3T by 4, करेक्ट? यस और नो? यस यस, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी T by 4 लगेगा, ठीक है? यहाँ से फिर वापस चला गया, बताओ फिर, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से वापस यहाँ पर गया, बताओ टाइम कितना लगेगा इसको? टोटल T लगेगा, मतलब क्या लगेगा? T by 4 प्लस T by 4 प्लस T by 4 प्लस T by 4, टोटल कितना हो गया? 4T by 4, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल टाइम को अभी T by 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, आ रहा ध्यान में? देखो मैं टोटल टाइम को T by 4 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना, मैं T by 4 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया मैंने? यस और नो? यस सर। टोटल टाइम को मैं T by 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा,
मतलब यहाँ पर जो मुझको टाइम लिखना है ना, यहाँ पर जो मुझको टाइम लिखना है उसको डिवाइड करूंगा अभी t/4 t/4 t/4। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा समझो टाइम जीरो है, ठीक है, यहाँ इसके बाद थोड़ा मुझको टाइम मिलेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा t/4। बताइए अब मुझे टाइम क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, t/2 2t/4 करेक्ट। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए 3t/4, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए 4t/4। समझ में आ रहा है, आ रहा है ध्यान में? हाँ सर। है ना? हाँ सर। कॉम्प्लेक्स होगी, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, इसको सॉल्व करें ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, मतलब ये t/2 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, ये 3/4 लिख सकते हैं, इसको काट देंगे, ये मेरा t/4 बन जाएगा। और लिखना चाहता हूँ आगे तो ये मेरा बन जाएगा 5t/4, करेक्ट। इस तरह से मैं अपने टाइम को अरेंज करता हूँ, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए थी। आगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको समझे, मतलब ये स्क्रीनशॉट बना के रख लो, आपको हेल्प होगा समझने में। बना लिए शॉर्टेड? ओके ओके, चलिए आइए, मैंने अभी टाइम को बिछा दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, सेम इस यहाँ पे भी टाइम रहने वाला है, तो यहाँ पर भी t/4 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा t/2, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट रहेगा 3t/4, यहाँ से यहाँ तक का रहेगा सर वहाँ पे t आएगा ना? हाँ लिख दिया t, अब सही है कि चेक करो रे, अभी सही है, आता बरोबर आए का मित्र सर, t/4 t/2 3t/4 t/5। मैंने बिछा दिया वक्त को, मैंने बिछा दिया वक्त को, मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया, ठीक है। आओ अभी रख, आओ अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, ये यहाँ पर ये मेरा रहेगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। यहाँ पर जो मेरा ग्राफ आने वाला है ये वाला, इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी। यहाँ पर जो ग्राफ आएगा उसको मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। पढ़ते आ रहा क्या क्या लिखा है, ये वास्ता देता है तुम्हारा, नहीं भी आ रहा तो गेस करो, एक्सेलरेशन राइट। आइए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा टेबल बनाएंगे, टेबल से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले, हम लोग फॉर्मूला का लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, बताइए जरा, अभी बताया था आपने x = a sin ωt + 5, हाँ बताइए वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, v = a ωt + 5 cos ωt + 5। एक्सेलरेशन के लिए बताइए -u ωt² sin ωt+5, ठीक है, ये समझ में आया। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर पार्टिकल स्टार्ट्स from mean position and heading towards right extreme position, ठीक है, हमने ये consider किया। अगर मेरा particle mean position पर है और right extreme position की तरफ heading मतलब जा रहा है, तो मुझको बताओ phi की value क्या हो जाएगी, phi की value क्या होनी चाहिए, zero, correct। देखो इमेजिन करो, अगर समझो मेरा पार्टिकल ने शुरुआत यहां से की है, राइट, शुरुआत यहां से की है और ये जा रहा है इधर, तो मतलब ये मेन पोजीशन पर है ना, और यहाँ पे एंगल क्या बनता है 0 degree। अगर उसने अपनी शुरुआत एक राइट एक्सट्रीम पोजीशन से किया होगा तो फाई की वैल्यू क्या लिखना चाहिए था, फाई बाय टू लिखना चाहिए था ना, इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फाई की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है, फाई की वैल्यू 0 ले लेंगे, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मुझको इक्वेशन क्या मिलेगा, x = a sin ωt पहला इक्वेशन, v = a ओमेगा
cos of omega t, दूसरा equation, a is equals to minus of a omega square sin of omega t plus phi. ये समझ में आया, यहां तक समझे गए बच्चों? हाँ सर. अब हम लोग बनाएंगे टेबल. देखिए अब मुझे ग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलिप्स में देखो टेबल बनाया था, एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक टेबल बनाया था ना, उस तरह का भी हम लोग एक टेबल बनाएंगे. देखिए टेबल बनाएंगे, ठीक है. टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइम, टाइम और टाइम की जो जो वैल्यू मैंने लिखी है उसको बिछा देंगे हम लोग, अरेंज कर देंगे. देखिए किस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग. देखो यहां पर मेरी क्वांटिटी लिखी रहने वाली है जो जो चाहिए मुझको, ठीक है. सबसे पहले बताइए जरा टाइम की शुरुआत कहां से हो रही है, टाइम की शुरुआत कहां से हो रही है? मेन पोजीशन जीरो से. माने टाइम की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? जीरो. जीरो स्टार्टिंग वैल्यू, जीरो, ठीक है. हाँ उसके बाद की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4, पाई बाय 4. उसकी बात की वैल्यू क्या है? T by 2. T by 2. उसकी बात की वैल्यू क्या है? 3 T by 4. बात की वैल्यू सांगा बरा? T. T. नहीं, T, T. T. उसके बात की वैल्यू सांगा बरा? 5 T by 4. T by 4. और बनाना होगा तो और T by 4 ऐड करते जाओ. जितना चाहिए उतना हम लोग टाइम लिख सकते, एक मिनट का लिख सकते हैं. राइट हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे थीटा, जिसको हम लोग ओमेगा टी. देखो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है. यहाँ पे बताओ थीटा क्या लिखा है? साइन थीटा लिखा होता है ना, साइन थीटा की जगह यहाँ पे थीटा क्या लिखा है देखिए जरा? ओमेगा टी. ओमेगा टी, राइट. कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है देखो? यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लूंगा मैं, ठीक है. अब इसको अपन अरेंज करेंगे वन बाय वन, ठीक है. आता माझा कड़े ज्यादा नहीं है. चलो देखो ओमेगा टी, अगर मुझको ओमेगा टी लिखना है, ठीक है. ओमेगा क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ओमेगा सांगा बरा? रूट के बाय एम. रूट के बाय एम भी होता है. और ये बताइए टू बाय टू पाई बाय टी होता है, राइट? टू पाई बाय टी. चलो ये मतलब ओमेगा टी को मैं टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी लिखता हूँ, ठीक है. आओ जरा गेस करो, अगर मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू जीरो डाली तो मुझको ओमेगा टी क्या मिलेगा? जीरो. हाँ, अगर मैंने यहाँ पर t की वैल्यू t बाय 4 डाली तो मुझको ओमेगा t की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाय 2. पाई बाय 2. पाई बाय 2. आइए पुट करेंगे पाई बाय 2. ओके अच्छा ठीक है. अगर अगर मैंने 2 पाई बाय t होता है, ये होता है t, t की वैल्यू की जगह t by 2 डाला तो मुझको क्या वैल्यू मिलने वाली है? पाई मिलेगा. हाँ चलो अगर मैंने यहाँ पे 3t by 2 डाला तो 3 पाई by 2. 2 by 2. अगर यहाँ पर मैंने t डाला तो 2 पाई. अगर मैंने 5t by 4 डाला तो 5 pi by 2 ना, करेक्ट है. 5 pi by 2. ये समझ में आया? लक्ष्य डाला. आता अपन अभी अपन बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं x लिखना चाहता हूँ, ठीक है. x, x का इक्वेशन कौन सा है? ये, ठीक है. x इक्वेशन ये है. अब इसके अंदर, इसके अंदर बताओ जरा x का इक्वेशन. देखो मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो ये सारी चीजें मैं लिखवा के देता था. समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें, ये कैसे क्या आया सब लिखवा के देता था. तो मेरे पास जगह नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, ठीक है. चलो x का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. चलो
बारी बारी से बताएंगे। अब हमको अलग अलग ओमेगा टी की वैल्यू मिल चुकी है, बस इतना बताओ। यहाँ पर देखो ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो रहेगी तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। ओमेगा टी की वैल्यू अगर जीरो रहेगी जीरो। हाँ चलो, ओमेगा टी की वैल्यू अगर पाई बाय टू रहेगी, साइन पाई बाय टू क्या आता है, साइन पाई बाय टू साइन नाइनटी क्या होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। ए ओनली ए, ओनली ए राइट ओके। चलो फिर अभी मुझको बताओ अगर ओमेगा टी की जगह मैं पाई पुट करूंगा ये वाली वैल्यू, बताओ मुझे एक्स क्या मिलेगा। माइनस ए। हाँ एक मिनट रुके, थोड़ा गलत हो गया कह रहे, जीरो पाई बाय टू। हाँ माइनस ए कैसे रे, 180 ना यार, जीरो आएगा साइन 180 ना, साइन 180 जीरो रहता ना है, जीरो ठीक है। अच्छा फिर मुझको बताओ फिर ये ओमेगा टी की जगह अगर थ्री पाई बाय टू पुट करूंगा तो साइन 270। आपको इमेजिन नहीं हो रहा क्या, देखो ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है सर्कल बना लो, ये मेरा जीरो होता है, ये मेरा 180 होता है, ये मेरा 90 होता है, ये मेरा 270 होता है, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू जीरो, यहाँ पर प्लस वैल्यू, यहाँ पर माइनस वैल्यू। अब चलो बताओ बारी बारी से। हाँ 270 कितनी वैल्यू आती है, साइन 270 कितनी वैल्यू आती है, माइनस ए, माइनस ए, माइनस वन आती है और मेरा एक्स विल बी माइनस ए। चलो टू पाए बताओ, साइन टू पाए मतलब टू पाए कितना होता है, साइन थ्री जीरो जीरो ठीक है। अच्छा साइन पाई पाई बाई टू, पाई पाई बाई टू मतलब कितना एंगल होगा, 450 एंगल नहीं, वैल्यू कितनी है साइन ऑफ पाई पाई बाई टू की वैल्यू कितनी, ए ए ठीक है ठीक है। पैटर्न फॉलो कर देखो, फिर जीरो आया, फिर ए आया, फिर जीरो आया, फिर माइनस ए आया, फिर जीरो आया, फिर ए आया, फिर जीरो आएगा, फिर माइनस ए आएगा, इस तरह से देखो रिपीटेटिव अल्टरनेटिव पैटर्न आ रहा है। ओके ओके चलो हमको एक्स मिल चुका है, आपको एक्स समझ चुका है। देखिए अभी मुझको एक्स निकाल लिया, अब मैं वेलोसिटी बनाऊ, वेलोसिटी देखिए जरा, वेलोसिटी मुझको हेल्प करो फाइंड करने में। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे अभी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। चलो बताओ बताओ अगर मैं ओमेगा टी की जगह पर, इसकी जगह पर जीरो पुट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, जीरो ए ओमेगा। हाँ 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 कॉस जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, तो मेरा आंसर बी, बी विल बी ए ओमेगा। चलो अगर मैं पुट करता हूँ पाई बाय टू इसकी जगह पर, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो 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 ठीक है। अच्छा फिर से देखो अगर मैं पुट करता हूँ पाई कॉस 180 माइनस वन होता है कॉस 180 और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ए ओमेगा इनटू माइनस वन, आंसर विल बी माइनस ए ओमेगा करेक्ट। चलो अब पैटर्न फॉलो करो यार, अब देखो इसके बाद क्या आने वाला है, जीरो आएगा, जीरो जीरो आएगा ठीक है, जीरो के बाद फिर प्लस ए ओमेगा आएगा और फिर जीरो आएगा। ये पैटर्न देखो, पैटर्न बराबर है क्या, चेक करो अच्छा। पहले पॉजिटिव आया फिर जीरो आया, पहले पॉजिटिव आया फिर जीरो आया फिर नेगेटिव आया फिर जीरो आया फिर पॉजिटिव आया फिर जीरो आया फिर नेगेटिव आएगा इस तरह से करेक्ट। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये हो गया 90 का रूट और ये टी मतलब टू पाई करेक्ट करेक्ट ठीक है। आइए अभी एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखो, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। देखिए जरा ओमेगा टी, चलो बताओ इसकी जगह अगर मैंने जीरो पुट किया तो मेरा ए की वैल्यू क्या आने वाली, जीरो जीरो। चलो जल्दी जल्दी बताओ, अगर मैंने साइन की जगह पर
साइन ओमेगा टी की जगह पर पाई बाई टू पुट किया तो वैल्यू क्या आने वाली है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। चलो अब फिर क्या है, बताओ जरा, देख कर ही बताओ क्या आना चाहिए थी। अब क्या आना चाहिए जरा पैटर्न देख कर बताओ। ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा। अब क्या आएगा फिर पैटर्न देख कर बताओ। जीरो जीरो। अब क्या आएगा फिर पैटर्न देख कर बताओ। ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार हमारे वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, राइट? सही है ना, सही टी मतलब 2 पाई sin 2 पाई 0 करेक्ट। ओके, अब हम लोग इस चीज का बनाएंगे ग्राफ, इस चीज का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए जरा, देखिए जरा, इस चीज का भी हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेंगे। अभी मुझको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बनाना है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ बनाना है। इसका बना रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इसमें से ऑब्जर्व करो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें से इतने सारे वैल्यू प्लस ए, ठीक है? तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी उसको इस तरह से ऊपर लिख दें। ये मैंने लिख दिया प्लस ए, ओके। अच्छा, x की मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें से ऑब्जर्व करो माइनस ए। जो भी मिनिमम वैल्यू रहेंगी उसको नीचे लिख देंगे, ये हो गया माइनस ए। ठीक है, अब वन बाय वन ड्रॉ करेंगे। देखो देखो, जीरो, जब मेरा टाइम जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो। यहाँ पे अपन इंटरसेक्शन बना, यहाँ पे टाइम जीरो है और एक्स की वैल्यू भी जीरो है, तो हमने इंटरसेक्शन बना दिया। फिर से जब मेरा टाइम टी बाय फोर रहा, जब मेरा टाइम टी बाय फोर था तो एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मेरा टी बाय टू टाइम था तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? जीरो। जीरो। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, मुझे हेल्प करो करने के लिए। हाँ चलो, जब मेरा टाइम थ्री टी बाय फोर था तो एक्स की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव। ये यहाँ पे टिक करेंगे इसको, ओके। चलो, जब मेरा टाइम कैपिटल टी था तो एक्स की वैल्यू क्या आई? जीरो। जीरो। जब मेरा टाइम फाइव टी बाय फोर था तो एक्स की वैल्यू क्या आई? ए पॉजिटिव। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ, ठीक है। ये मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब ये पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा। देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ये मेरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। समझ में आया? आलो करे बाड़ानो सर। हां सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, एक्सेलरेशन के मैक्सिमम वैल्यू, अब मुझको क्या बनाना है? वेलोसिटी। हाँ चलो, ये देखो, इसमें से वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, देखो जरा। मिनिमम वैल्यू क्या आती है? माइनस ए ओमेगा। माइनस ए ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू को ऊपर रखेंगे, मिनिमम वैल्यू के नीचे नीचे रखेंगे। हाँ चलिए, बताओ जरा फिर, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है बताओ? ए ओमेगा। ए ओमेगा यहाँ पे मार्क कर देंगे, देखो मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टी बाय फोर क्या होगा बताओ? जीरो। जीरो। वेलोसिटी 3t by 2 क्या होगा बताओ जरा? माइनस ए ओमेगा। वेलोसिटी वेलोसिटी मुझको 3t by 4 पे क्या होगा बताओ जरा? जीरो। वेलोसिटी मुझको t पर क्या होगा बताओ जरा? ए ओमेगा। वेलोसिटी 5t by 4 पर क्या होगा बताओ जरा? जीरो। जीरो। मैंने सारे पॉइंट मार्क कर लिए, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा। देखो कितना बनाता हूं, एक दो फिर से देखो, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ झट से एकदम तुरंत। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू बताओ? माइनस। चलो, जीरो पर क्या वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की? जीरो। जीरो। टी बाय फोर पर क्या वैल्यू आएंगे फिर? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट। अच्छा,
टी बाय टू पर क्या वैल्यू आएंगी फिर? जीरो जीरो जीरो. टी बाय फोर पर क्या वैल्यू आएंगी फिर? ए ओमेगा स्क्वायर. ए ओमेगा स्क्वायर क्या वैल्यू आएंगी? टी पर क्या वैल्यू आएंगी? इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे सर. नीचे वाला नहीं दिख रहा, नीचे वाला थोड़ा. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस मैं ड्रॉ कर लूँ फिर उसको ये करता हूँ. अभी दिख रहा है? Is it visible now? हाँ सर, हाँ सर. देखो, तो इसको जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा. अब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे. देखो, ग्राफ का स्क्रीनशॉट हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ हो गया सर. Yes yes. अब देखो मेरी बात सुनो. क्या करेंगे हम लोग अभी? ये देखो, ये मैं बनाया है. ये देखो, ये साइन जो है, ये भी ये जो कर्व है, ये साइन का कर्व है ना. ऑब्जर्व करो, एक साइन का कर्व. ये वाला देखो एक कोसाइन का कर्व है, कोसाइन का कर्व है. ये वाला देखो एक साइन का कर्व है. लेकिन ये वाले साइन के कर्व में और ये वाले साइन के कर्व में क्या डिफरेंस है बता सकते हो क्या? ऑब्जर्व करो. हाँ, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है. एग्जैक्ट उल्टा है इसका, एग्जैक्ट उल्टा है. देखो इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर. क्यों ऐसा आया? क्योंकि ये साइन का है लेकिन एक्सेलरेशन के अंदर एक नेगेटिव साइन आ चुका है. समझ में आ रहा है? नेगेटिव मतलब इसका फेस समझो ऐसा रहा तो इसका फेस एग्जैक्ट इसका उल्टा है. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर भी अगर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, तो अगर मैं आपको बोलू फेज डिफरेंस, ये मैंने सिखाया नहीं आपको फेज डिफरेंस, लेकिन आपको थोड़ा सा गेस करना है कि बताओ जरा, अगर मैं आपको पूछता हूं फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी में फेज का कितना डिफरेंस रहेगा? फेज डिफरेंस मतलब कितना एंगल का डिफरेंस रहेगा. क्या आप देखकर बता सकते हो कितने एंगल का डिफरेंस रह सकता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में? नहीं बता सकते, राइट? नहीं बता सकते, आपको बता नहीं आ रहा है ऐसा. क्योंकि पाई बाय टू मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन पहले ही बताता हूँ कि फेज डिफरेंस आपको किसी ने पूछा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, आंसर विल बी पाई. ठीक है, आपको अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, आंसर विल बी पाई बाय. ठीक है, आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, आंसर विल बी पाई. ठीक है, क्यों आया ये बाद में बताऊंगा. सबसे पहले देखो, अगर आपको किसी ने पूछा, ठीक है, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, क्या बताओगे? पाई बाय टू. क्यों ऐसा आ रहा है मैं बाद में बताऊंगा, अभी. अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, क्या बताओगे? पाई बाय टू. अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, क्या बताओगे? पाई. ठीक है, हाँ पाई. ठीक है, ये फेज डिफरेंस. हमारे पास टाइम कितना बचा? अभी खत्म होते आ रहा टाइम. ठीक है, तो इस तरह से ये देखेंगे, ये आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क सुनो. अभी ये हमने फाइव की शुरुआत की है, ये हमने फाइव की शुरुआत की है जीरो से. ठीक है, जीरो मतलब कहाँ से शुरुआत की अपन ने? मेन पोजिशन से. अब हमारा इनिशियल पोजिशन, अगर फाइव की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू अगर पाई बाय टू, पाई बाय टू का मतलब कौन सी पोजीशन से बताओ जरा? अगर हमारा पार्टी का स्टार्ट करे चलना, तो इसका मतलब यहाँ पे पाई बाय टू आ जाएगा, तो मतलब मेरे एंगल पूरे चेंज हो जाएंगे, मेरे एंगल पूरे चेंज हो जाएंगे. ठीक है, और इक्वेशन भी चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये क्या काम करो, तुम फेसबुक में देखो पाई बाय टू अगर बनाकर है वो. ठीक है, वो टेक्स्टबुक में देखो एक बार, ऑब्जर्व करो. वो ऑब्जर्व करने के बाद उसका ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, उसका पाई बाय टू का. अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है. पाई बाय टू का
तो ये हमने बनाया मेन पोजीशन पर। अब अभी आप लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर ग्राफ बनाएंगे, कोशिश करेंगे, हम तो फिर से यहाँ पे सिखाएंगे उसको कैसे बनाना है, कोशिश करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और भेजेंगे। कंपलसरी नहीं है होमवर्क, कंपलसरी नहीं है, जो डेडिकेटेड है, जो अच्छे, जो मेहनत करते हैं तो वो तो बनाएंगे, है ना। और किसी पर जबरदस्ती नहीं है ये वाला होमवर्क, ये करके लाने का ये वाला, क्योंकि मैं करने ही वाला हूँ, लेकिन आपने अगर कर लिया तो आपके लिए बेटर है, राइट। तो ये वाला आप लिख लेना और इसके बाद मीन पोजीशन पाई बाय टू पर रहे, मतलब मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगा तो फाइव की वैल्यू जो पाई बाय टू आएंगे, तो ग्राफ किस तरह बनेंगे वो ड्रॉ करके उसको भेजना है। मैं देखता हूँ जरा कौन कौन भेजेगा, ठीक है, पढ़ने की इच्छा किसमें।